पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 17,551 करोड़ की सौगात, निर्माण कार्यों का किया वर्चुअल शिलान्यास। जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश को 17,551 करोड़ की सौगात देते हुए निर्माण कार्यों का वर्चुअली शिलान्यास किया गया, जहां कैंट विधानसभा के रांची अंबेडकर पार्क में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर लाइव स्ट्रीम लगाई गई, जिसमें कैंट विधानसभा के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज सहित कैंट के भाजपा के समस्त पार्षद और कैंट की क्षेत्रीय जनता कार्यक्रम में शामिल हुए। कैंट विधायक सहित सभी लोगों ने पीएम मोदी का संदेश सुना। वहीं इस दौरान कैंट विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर 20 करोड़ 5 लाख की मिली सौगात का कैंट विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने भूमि पूजन किया। वहीं कैंट विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लिए 17,551 करोड़ रुपए की जो सौगात दी है और योजनाओं और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है, निश्चित तौर पर विकसित भारत को जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है वह साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं जो विजन देश को लेकर प्रधानमंत्री ने देखा है वह पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को वह साधुवाद देते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। प्रारंभ करा दें देश के मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज इतनी बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश को जोड़कर लगभग 18,000 करोड़ की योजना का जो भूमि पूजन और लोकार्पण किया है, ये विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश का जो सपना है यह साकार होता दिख रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है वो साकार होता दिख रहा है। 2047 का भारत कैसा होगा उसके प्रयास अभी से प्रारंभ हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, विशेषकर गरीब लोगों के लिए इतना ज्यादा काम किया है कि आज हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत कम रह गई है। आप देखिए जन धन योजना, उसके अलावा आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान योजना, जिसके द्वारा आज एक अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करवाता है। यही जरूरी चीजें हैं जो हमको ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने दी है। मुझे मेरा ये सोचना है कि हम सब महिलाओं के लिए उन्होंने जो किया है वो पिछले 70 सालों में कोई नहीं कर सका। जय मोदी जी। 1,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली, इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं, इनमें बिजली, सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदायिक सभागार,